मैं खुशी हूँ आपका स्वागत करती हूँ द न्यू स्टॉक चैनल में। चाय वाला निकला है बैंक का 51 करोड़ रुपए का कर्जदार और 50,000 का लेने गया था एक्चुअली में लोन, और उस दौरान जब पता चला तब उड़ गए उसके होश। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए जरूर कि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, कुछ मिस्टेक जो कि आप सुधार नहीं पाए हैं और आपने बार बार बोला है पर फिर भी वो सुधर नहीं पाया है और आपने फिर भी उस चीज को छोड़ दिया कि कौन इन चक्रों में घूमेगा। क्योंकि हरियाणा के जो कि कुरुक्षेत्र में एक चाय बेचने वाला है जिसका नाम है राजकुमार। राजकुमार एक्चुअली में एक फाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपया लोन लेने के लिए गया था, पर वहां पर उस फाइनेंस कंपनी ने राजकुमार को लोन देने से मना कर दिया। और जब राजकुमार ने इसके बारे में पूछा तब उन्होंने ये चीज बताया कि इसके ऊपर एक्चुअली में 51 करोड़ रुपए का लोन पहले से है और इसने लोन अलग अलग बैंकों से लिया हुआ है। इस बात को जान के राजकुमार के होश उड़ गए और उस दौरान ही वो बैंकों के चक्कर काटने लग गया। पर जब ये बात सोशल मीडिया पे आई और जब ये बात को उछाला गया तब राजकुमार को थोड़ी बहुत सहायता मिली और राजकुमार को पता चला कि एक्चुअली में बैंक की लापरवाही की वजह से ये सब चीजें हुआ है। और उस दौरान ही बैंक के जो मैनेजर है, जो सीनियर मैनेजर है, उनसे जब बात की गई जिनका नाम है हीरा, और उन्होंने ये चीज बताया है कि राजकुमार अगर अपने बैंक में जाके इसके बारे में बातचीत करेगा तो जो मिस्टेक है वो एक्चुअली में मिस्टेक को सुधार लिया जाएगा और इसके बारे में बता दिया जाएगा और उसके नाम पे जो लोन है वो भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं हुआ है। हीरा कुमार वो नहीं है जिसके ऊपर 51 करोड़ है, ये कोई और आदमी है। इस दौरान ही जो चाय बेचने वाला एक्चुअली राजकुमार जो चाय बेचने वाला है वो एक्चुअली में चाय की टपरी लगाता है। और लॉकडाउन, आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन कभी लगता है कभी फिर खुल जाता है, इस दौरान काफी सारे लोगों का जो धंधा है वो बंद पड़ा है और छोटे मोटे जो धंधे है वो बंद पड़े हैं, उनके पास कुछ सेविंग्स भी नहीं होती है। राजकुमार के पास जो सेविंग्स थी वो खर्चा हो गई और उस दौरान अभी उसके पास कुछ है भी नहीं और वो अकेला कमाने वाला है घर पे और वो क्या करता है, इसीलिए उसने लोन का सोचा। अभी वो ये चीज बोल रहा है कि अभी बैंक को जल्द से जल्द ये जो उन्होंने इतने बड़ी टेंशन मुझे दी है उसका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, उसको क्लियर किया जाए, और इन सब चीजों के चलते हुए उसको कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो उसने सोचा था कि वो 50,000 रुपया अगर वो ले लेगा तो एटलीस्ट अगर लॉकडाउन लगा भी हुआ है तो अपने घर का वो खर्चा चला सकता है। तो गाइज ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि आप लोग राजकुमार के लिए क्या सजेशन करना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।